नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मानस नेगी पहाड़ी में। चलो आज आपको दिखाते हैं कि जो ये मैंने अपने कंधे पर रखा है, इसे हम गढ़वाली में मैया कहते हैं और कई लोग इसे दनिया भी बोलते हैं। आज इसको ले जाकर हम जाएंगे धान की खेत में, तो चलो चलते हैं। दोस्तों अब पहुंच गए हम आज धान के खेत में। तो जो ये मैंने अपने हाथ पे ले रखा है दनियाला, देखिए इसके कितने मुंह हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इससे हम आज ज़रा धान की निराई करेंगे और ये बहुत बड़ा खेत है, तो चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे होता है, इससे खेत की खरपतवार निकालेंगे। कितना सुंदर वातावरण। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं खेत में, देखिए इससे किस तरह से जो ये धान है इसकी निराई गुड़ाई होती है। आप देख सकते हैं कितना सुकून भरा जीवन है हमारे उत्तराखंड का। देखिए कि इस तरह से इसको खेत में ले जाकर हाथों से खींचा जाता है और जो ये खरपतवार है ये वाला, इसे हमें निकालना होता है धान से। ये देख सकते हैं आप, इसे हम निकालते हैं। तो आज हमने भी कोशिश की कि चलो खेत की तरफ जाया जाए और जो ये धनिया है इससे ज़रा धान की निराई की जाए आज। तो ये आप देख सकते हैं, और ये रहा, इसको निकालना होता है। तो मित्रों बने रहे हमारे साथ। बहुत बड़ा खेत है, कहीं दूर दूर चिड़ियों की मधुर धुनें भी सुनाई दे रही हैं। ये सुबह का समय, सूर्य भगवान भी आ चुके हैं, ये रहे, ये चमक रहे हैं। और खेतों में आजकल निराई गुड़ाई भी चल रही है, तो मैंने भी सोचा कि चलो आज जरा धान की निराई की जाए। बने रहे हमारे साथ। ये देखिए दोस्तों धान के साथ कितने खरपतवार उग गए हैं और हम इसे दनियाला से फिर हाथ से वो निकालेंगे। देखिए इतना हमने खेत की सफाई कर दी, अब धान ही धान बचा है खेत में, आप स्वयं देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने पूरा खेत ही, आप देख सकते हैं, ये पूरा साफ कर दिया, धानी धान बचा है। तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।